किसान साथियों नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। किसान साथियों आप अच्छे होंगे, ठीक होंगे, भगवान से कामना करते हैं, दुआ करते हैं, आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, आपके काम में दिन दुगनी रात चुगनी उन्नति हो, परम पिता परमेश्वर से हमारी यही कामना है। किसान साथियों, मैं अमित महला, तहसील लोहारू, डिस्ट्रिक्ट भिवानी, हरियाणा का स्थायी निवासी हूँ। आज दिनांक 30 अप्रैल 2023 है और आज भी हम एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर आप लोगों के बीच में हाजिर हुए हैं। और पहले भी किसी न किसी विषय को लेकर आपके बीच में मुलाकात होती रहती है, कभी लाइव प्रोग्राम से तो कभी वीडियो के माध्यम से। और आज का जो विषय है वो एक ऐसा विषय है जो आप सभी के लिए बहुत कुछ बदलाव ला सकता है अगर आप चाहेंगे। लेकिन वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं सभी साथियों से निवेदन व प्रार्थना करना चाहूँगा कि जिन किसान साथियों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटे को दबाइए, ऑल पर क्लिक कीजिए। वो मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो उसके, और वीडियो में क्या जानकारी दी गई है वो आपके लिए उपयोगी होगी, उसको आप कैसे अपनी खेती में उसकी पालना आप कर सकें, उस विषय पर हम विस्तार से बातचीत करते हैं। और जो सप्ताह में 2 दिन का जो हमारा लाइव प्रोग्राम होता है उसमें आप बढ़ चढ़ कर भाग लें, इसलिए हमेशा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को दबाएं और आल पर क्लिक करें ताकि उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और जो भी वीडियो आपको अच्छा लगता है, वीडियो तो वैसे सभी आपके लिए अच्छे होते हैं, सोचने वाले के लिए तो अच्छा है, ना सोचने वाले के लिए गलत है, वीडियो सभी ठीक होते हैं, लेकिन बस हमारी दिमाग और थिंकिंग का फर्क होता है। तो साथियों आज हम बात करेंगे, काफ़ी दिन से फार्मर्स की तरफ से और काफ़ी दिन से जो साथी हमारे बीच में जुड़े हुए थे उन साथियों ने साथियों को चंद लोभन दे के कैसे भी करके किसी भी रास्ते से भटकाने का काम किया। TCBT का एक नाम सुना होगा आपने, TCBT के नाम से खेती होती है और उस खेती के अंदर जो काम होता है वो काम मैं आपको क्या बताऊं, यानी किसान को ऐसा पजल बना दिया जाता है, किसान के दिमाग में ऐसी भ्रांतियां बढ़ा दी जाती हैं कि किसान को फायदा तो दूर की बात है, उसका नुकसान भी भुगतना पड़ता है। और आज मैं एक ऐसे फार्मर का वीडियो आप लोगों के बीच में शेयर करूंगा जो इस TCBT का शिकार हुआ है और जिसकी कोई हजारों में नहीं है, यहां हजारों में बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये तो किसान आर्थिक रूप से अच्छा था, सही था, जो चोट इनको लगी है 20 से 25 लाख रुपए की, 20 से 25 लाख रुपए की जो चोट इन्हें लगी है, अगर एक नॉर्मल किसान को लग जाए तो फांसी खाना पड़ जाए। और वो समय याद दिलाता हूं मैं आपको, 8 साल पहले ले जाने का काम करता हूं, जिस समय मैंने जैविक खेती की शुरुआत की थी उस समय मैंने सुभाष पालेकर का दामन थामा था। सुभाष पालेकर के 3 और 4 सीवर मैंने अटेंड किए थे और सुभाष पालेकर के बताई विधि जीवामृत, घन जीवामृत, पंचगव्य इत्यादि का उपयोग किया और मेरे खेत में पहली साल जिस समय रासायनिक सोडा, उस साल अगर मैं बात करूं सही मायने में तो 4 एकड़ गेहूं हुआ था प्रति एक एकड़, नहीं 4 क्विंटल गेहूं हुआ था प्रति एक एकड़। साल 2015 में माननीय डॉक्टर श्रीमान कृष्ण कुमार चंद्रा जी के साथ हमारी मुलाकात हुई और वो मुलाकात आज 8 साल को क्रॉस करने जा रही है। मैं ये धन्य हूँ माननीय चंद्रा जी का जिन्होंने हमें एक ऐसा उत्पाद दिया जिस उत्पाद की वजह से आज हम जैविक खेती में एक सफल किसान हैं। आज ये चीज मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता जाएगा उतनी जानकारियां बढ़ती जाएंगी जो भी जिस लाइन में है। और आज हमें किसान सुन रहा है तो वो इसीलिए सुन रहा है क्योंकि काफी सालों से किसान के बीच में हम हैं, और वो इसलिए भी सुन रहा है क्योंकि हमने जिस समय जिस चीज की शुरुआत की थी
आज भी हम उसी चीज के ऊपर हैं। हमारे बीच में कुछ ऐसे यूट्यूबर भी आए हैं जब जो जिनका आज कोई पता नहीं है। आज इस तरह की भ्रांतियां, इस तरह के प्रलोभन और इस तरह की गलत गाइडलाइन देकर किसान को गुमराह करने का काम दो नंबर पर गोकृपा अमृत कर रहा है। गोकृपा अमृत वर्सेस वैष्णी कंपोजर के नाम से मैंने वीडियो बनाया था और उस वीडियो को काफी लोगों ने देखा था। मैंने उस समय भी कहा था कि गोकृपा अमृत कोई अलग बैक्टीरिया नहीं है, यह वैष्णी कंपोजर के द्वारा बनाया गया बैक्टीरिया है, वैष्णी कंपोजर का बैक्टीरिया है और इसके अंदर लस्सी मिलाने का काम किया है। लस्सी या दही आप मिला लो, सीधी सी बात है, वैष्णी कंपोजर के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट आप डालेंगे उसकी मात्रा उस घोल में अवश्य आएगी। और यह भी मानते होंगे आप कि जब उसकी हम लैब टेस्टिंग करवाएंगे तो भी रिपोर्ट वही आएगी, नाम कुछ भी रख लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। और आज वही मामला टीसीबीटी का चला रहा है। आज से 3 साल पहले की मैं बात करूं या 2 साल पहले की मैं बात करूं, उस समय जो इंसान वैष्णी कंपोजर के गुण गाता था, जिस इंसान के पास वैष्णी कंपोजर के अलावा कुछ नहीं था, जो इंसान अपने उत्पाद वैष्णी कंपोजर के माध्यम से किसान से बनवाता था, वो इंसान आज अपनी खुद की एक टेक्नोलॉजी लेके किसान के बीच में धमका। अब इस किसान की कहानी सुनना आप, यानी इस इंसान को बुलाने के लिए जहां से ये चल के आया वहां से घर तक का पूरा खर्चा इनका, साथ में 2 दिन 3 दिन रुका, 50 से 60 हजार रुपए खर्चा इन्होंने दिए उनको दिया है रुकने का, अच्छा खाना उनको खिलाया होगा, सारी चीजों की देखभाल उन्होंने रखी होगी। इतना मान सकते हैं कि कोई भी किसान अगर किसी के पास जाता है, कोई भी फार्मर अगर किसी के पास जानकारी के लिए पहुंचता है, तो उसकी जो मेहनत होती है, मैं नहीं कहता कि मेहनत मत लो, आप अपनी मेहनत लो कोई दिक्कत, और अगला पूरी इच्छा के साथ देने को भी तैयार होता है, लेकिन यह नहीं है कि उसकी गर्दन काट लें, नो। तो आज उस किसान ने उस समय पहले फेसबुक के ऊपर भी एक पोस्ट डाला था और उसमें उसने क्लियर बताया भी था। और ऐसे किसान मैं और बताता हूं आपको, गुजरात के, राजस्थान के, पंजाब के, मेरे हरियाणा के और महाराष्ट्र के, जो इस टीसीबीटी के चक्कर में पड़े और सब कुछ बर्बाद कर लिया उन लोगों ने। मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, लेकिन वो मेरा वीडियो देखते हैं और उनकी रिप्लाई भी मेरे पास आ चुकी है, उनके जो भी उनकी तरफ से था, सर हमसे बड़ी गलती हुई, कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, आदमी को आना तो लाइन पर ही पड़ेगा, भले ही कितने ही चक्कर काट लो आप, लेकिन सही जगह आना पड़ेगा। तो गोकृपा अमृत के बारे में लोगों ने कहा कि सर इसकी लैब रिपोर्ट के अंदर 118 या 119 प्रकार के बैक्टीरिया है। किसान साथियों, किसी बैक्टीरिया का को एक जगह संग्रहित करने के लिए और उस बैक्टीरिया को कार्य करने योग्य बनाने के लिए एक लैब की आवश्यकता होती है। क्या वो लैब से बना हुआ गोकृपा अमृत है? और किसी भी रिपोर्ट को आउट करने के लिए किसी भी रजिस्टर्ड लैब से ये दिखाया जाता है कि इस लिक्विड के अंदर ये बैक्टीरिया है, इसका ये नाम है, और उसके ऊपर या तो प्राइवेट लैब हो या गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी सरकारी लैब हो। लेकिन छापने को तो मैं भी कुछ छाप सकता हूं आप लोगों के बीच में। आज ये चीज मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जिस रास्ते पर आप चल पड़े हो और वो रास्ता अगर आप बीच में छोड़ रहे हो तो आपको भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है।
जीरो बजट फार्मिंग की वजह से कितने किसानों ने आत्महत्या की महाराष्ट्र में, वो महाराष्ट्र के किसान बताएंगे। कितने लोगों की फसल बर्बाद हो गई। और दूसरा, जो ये टीसीबीटी की जो बात आप कर रहे हो ना, जो चीज, जो खाद जो आपको दी जा रही है, उसके अंदर नमक दिया जा रहा है, जिसमें एक साल या दो साल अच्छा अनाज आपको पैदा होगा, अच्छी फसल आपकी होगी। क्या टीसीबीटी वाले के पास कोई लैब है? क्या टीसीबीटी वाले के पास एग्रीकल्चर की कोई रजिस्टर्ड, यानी उसके पास कोई वो है कि एक स्वीकृत किया गया उनको किसान है वो, या वो कोई वैज्ञानिक है, या एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का कोई रिटायर्ड कर्मचारी है वो जो कैप्सूल बना रहा है? किसने अथॉरिटी दे दी कैप्सूल बनाने की? आज 8 साल हमें हो गए, हमें नहीं बनाना आता ये कैप्सूल कैसे बनता है, और उसने 3 साल में आपको दे भी दिया। तो इन भ्रांतियों से मेरे प्रिय किसान साथियों दूर रहिए, इसमें आपका बेनिफिट है और आपके परिवार का बेनिफिट है। क्योंकि कोई भी बैक्टीरिया को संग्रहित करने के लिए या इकट्ठा करने के लिए या उसको कार्य योग्य बनाने के लिए विशेष लैब और एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट की, वैज्ञानिक की आवश्यकता होती है, जो दोनों के पास, तीनों के पास, किसी के पास नहीं है। और जीरो बजट किसको कहते हो भैया? जीरो बजट, जीरो बजट वो होती है जिसमें कोई खर्चा ना लगे। क्या बेसन का खर्चा नहीं लगता, गुड़ का खर्चा नहीं लगता, लेबर नहीं लगती, वो जीरो बजट कहां से हो गई? क्या उसके लिए आपको ट्रैक्टर वाले को पैसा नहीं देना होता, या किसी अन्य को पैसा नहीं देना होता आपको? वो जीरो बजट कहां से हो गई? आज रासायनिक को छोड़ के आप जैविक में कदम रख रहे हैं, और सीधे वो थोपने का काम हमारे ऊपर कर रहे हैं, वो किसान का, यानी एक्चुअल जो हकीकत है ना, वो बताने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। और मैं धन्यवाद करता हूं उस यूट्यूबर का जिसने इस वीडियो को अपलोड ही नहीं किया, वायरल भी कर दिया, जो मैं टीसीबीटी की बात करता हूं। मैं इनको जानता तो नहीं हूं, लेकिन तहे दिल से इनको धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने ये वीडियो अपलोड किया, उस किसान को सुना और वो वीडियो किसानों के बीच में पहुंचा। आज उसी के लिए काफी किसान साथियों की रिक्वेस्ट के ऊपर मेरे को ये वीडियो बनाना पड़ा कि सर आप क्यों नहीं बोलते, आप भी तो बोलो। तो इसलिए साथियों, मैं ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा, उस किसान की भी जो गाथा है, जो कथा है बेचारे की, वो भी आप सुनना। तो किसान साथियों, कोई भी कदम आप रखते हो जैविक खेती की तरफ या जैविक में आना चाहते हो, तो इन जैसे लोगों से जो मुंह फाड़ के इंतजार कर रहे हैं कौन फंसे, किसकी गर्दन हमारी छुरी पर आए, जो इंतजार कर रहे हैं, इनसे बचो। और जो रियल है, जो हकीकत है, जो जमीन से जुड़ी हुई चीज है, उसके ऊपर आप ध्यान करो, जो धरातल पर है। पूरा खेल माइक्रोज का है, जैविक में पूरा खेल जैव उर्वरकों का है, एजो वेक्टर, पीएसबी, पोटास, लाइजियम बैक्टीरिया, या सुडोमोनोसियम, बेवर बेसेनिया, माइक्रो राजा, ट्राइकोडर्मा, कितने ही फंगस, मित्र फंगस, कितने मित्र बैक्टीरिया की आवश्यकता, पूरा जैविक में सारी चीजें क्रमबद्ध चलती थी। आज से पहले भी चलती थी, अब भी चल रही है, लेकिन वो वहां चल रही है जहां पर केमिकल यूज नहीं होता है। तो साथियों, आप सोचो कि ज्यादा समय बर्बाद किया हमारा, लेकिन ये जानकारी आपको देना बहुत जरूरी था। और मेरे बाद, मेरे इस वीडियो के बाद, उस साथी का वीडियो अवश्य सुनिए जिन्होंने पूरे दिल खोल के अपने अंदर की बात आप लोगों के लिए बीच में बखान किया है। तो इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार किसान साथियों, मैं रणजीत जोड़, और मैं जो मिशन पे लगा था, गुरुजी को बुलाया था, उनका बुलाने का मेरा मकसद यही था, जो हमारे पिछले से पिछले साल जो टेम्परेचर के अंदर किसान बाग उखाड़ रहे थे, उस करके, ना कि किसी के बिजनेस के उद्देश्य से। और वो गुरुजी को बुला के मैंने कुछ अपने पैसे खुद के खर्च करके, खाने पीने पे, आने जाने का खर्चा उठा के,
उनके साथ कई किलोमीटर तक मैं उनके साथ चला, और इस मिशन को चलाने के लिए मैंने ये कहा भी आप इस तरह से आप कोई नई चीज़ें यूट्यूब देख के आदमी प्रभावित हो जाता है और वो मार खाता है जब इसको पता लगता है भी क्या हो गया क्या नहीं हुआ। तो असल कहानी मैं आपको बताता हूँ, जो हम ये मेरे को आपको पता है भी मैंने TCBT से पत्ती से खेती कर रहा हूँ और आपको मैं वीडियो भी डालता रहा हूँ फेसबुक पे या जो हमारे 4 TCBT ग्रुप के अंदर हैं, और मुझे और मैंने जितना सामान डाला इस डिस्ट्रिक्ट में इधर से किसी किसान ने नहीं डाला, क्यों मैं जो भी डालता था लाइव वीडियो के डालता था और अपनी मेहनत और श्रद्धा से करके पांचों खेतों के अंदर मैंने अपने अग्निहोत्र पात्र रखा के काम शुरू किया। और आज मैं खड़ा हूँ 14 एकड़ के इस बाग में जहाँ मैंने जून के अंदर मैंने एप्लीकेशन शुरू की थी, और उसके फुटारे के अंदर गुरुजी ने कहा था भी माला लेके यहीं घूमे थे भी लाल पीली मिट्टी का चक्कर करके, उन्होंने कहा भी ये डालो और ये करो फलाना डालो, जो गुरुजी के फार्मूले हैं वो मैंने जैव रसायन वगैरह सभी बनाए और सभी को मैंने अच्छे तरीके से चलाया। और वह जैसे पत्ते उनके आए अगस्त के अंदर, गुरुजी ने कहा ये पत्ते वापस तांबे वर्णिया जी कॉपर के इस तरह की दिक्कत आने लगी इसके अंदर, तो गुरुजी ने कहा भी आप अपना भस्म रसायन का फोटो भेजो, वही भस्म रसायन जो उन्होंने बताई थी भी ये आपकी पॉजिटिव है फलाना, वो उसी को उन्होंने 3 महीने के अंदर नेगेटिव बता दी। फिर मैंने कहा भी ऐसे कैसे हो गया, फिर पंच महाभूत चेक करे उसी खेत का, दूसरी जगह करवाया ये करवाया, तो खाली उन्होंने कुछ नहीं, पंच महाभूत के चक्कर में हमको बर्बाद हो गया। तो ये मतलब क्या 3 महीने के अंदर वो क्या चीज़ नेगेटिव होगी? एक किसान श्रद्धा करके उसके गोबर गौमूत्र का जब वो उसे अग्निहोत्र करता है और वो देसी गायें हो, अब हम आहुति देते हैं सूर्योदय सूर्यास्त किट में, अगर हम किसी भी अग्नि में आहुति देने से वो कोई नकारात्मक कोई चीज़ नहीं रहती, वो चीज़ पॉजिटिव हो जाती है। पर वो उनका कहने का मकसद था आप अच्छे तरीके से डालो, उनका कहना था भी जो पंच महाभूत बनाए थे वो लाल पीली मिट्टी फलाना झीकड़ा से पूरे हो जाएंगे। तो मैंने अपने जो इस 14 एकड़ के बाग में डाला कुछ रिजल्ट नहीं आया, उन्होंने फिर डाला, मैंने कहा फिर दिसंबर में अपने फरवरी के अंदर फिर डाला, और 1880 पौधे के अंदर सिर्फ 80 पौधों को छोड़ के सारे पौधे खाली पड़े हैं। मैं आपको मैं वीडियो दिखा रहा हूँ, उनके पत्ते भी वैसे जैसे पक्के तैयार हो जाते हैं। तो एक वीडियो के अंदर मैंने पिछले उनको बोला था जब मैंने नमककार उनका जिक्र किया तो कुछ जो उनके चाटुकारता है मतलब जो पूँछ हिलाने वाले बंदे हैं, कहने का मतलब है जो किसान को गुमराह करने वाले बंदे हैं, मतलब तनख्वाह लेके उनका प्रचार करने वाले, न कि वो किसान, उनका काम है भी आप पैसे लो काम करो लोगों को करो और ये करो। उन्होंने भी मुझ पर कुछ सवाल उठाने शुरू कर दिए, तो कहते अभी तो आपके बाग हरे भरे थे ऐसे कैसे होगा, जब फसल पकती है उसका पत्ता पकता है, किन्नू का पत्ता मई जून के अंदर पता लगता है भी इसमें क्या डिफिशेंसी है, ये मैंने उसको डाला तो ये मतलब कुछ नहीं है, ये लेमन मैन के नाम से ये कर रहा है, ये ऐसा नींबू की वैरायटी है जो हमने भी 3-4 साल पहले हमने उखाड़ के उनको मारा, कागजी नींबू थे, इनमें इतने इतने नींबू लगते हैं 4-4 क्विंटल के, वो बिक्री नहीं होती उनके। तो ये मतलब क्या है, ना तो वो TCBT से सही कर रहा, ना वो लाल मिट्टी डाली ना उसने पीली मिट्टी डाली, सिर्फ खाली। अब उन्होंने एक खाली उन्हें एक तांबे का लोटा बना के एक बकवास सी एक वीडियो और बनाई है। तो लेकिन इसका कारण क्या है, इसका कारण है हमारी अनपढ़ता, और अनपढ़ता को कारण ये है भी हम जब तक जागृत नहीं होंगे तो ऐसे लोग खड़े होंगे जो हमें बहका कर हमारी भावनाओं से खेल कर भी जो किसान अच्छा कर रहे हैं उनके साथ ऐसा खेल के उनको सक्सेस स्टोरी के रूप में आप जो भी वीडियो बनाओ उनकी आप सक्सेस स्टोरी देखोगे, उनसे आप पता करके उनके खेत में जाके विजिट करो भी क्या हो रहा क्या रहा। तो मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंने महाराष्ट्र के कई किसान थे उनसे पूछा, केले का एक उनका वीडियो आया था तो उन्होंने कहा भी पौधे का 65 किलो ऐसे दिया, मैंने उनसे पूछा भी आपने क्या किया, कह जी मैंने कुछ नहीं, वो तो एक कैप्सूल कल्चर मंगाया शुरू किया, बाकी मेरी खुद की गौशाला है मैं करता हूँ उसके अंदर नीचे मल्चिंग करता हूँ वे कर रहा हूँ, बाकी मैंने ऐसा कुछ नहीं किया उनकी पत्ती का। तो आपका गुरुजी ने वीडियो चढ़ा रखा है, गुरुजी आए ठीक है, उनके साथ एक साइंटिस्ट थे का वो 350-350 एकड़ में कर रहा है, वो खाली बकवास कर रहा है कुछ नहीं कर रहा, वो किसानों कितने किसानों को बर्बाद करेगा, उसकी बर्बादी का ही मैं अपने जो मैं नुकसान है उसका मैं आपको बताता हूँ। 1880 पौधों के अंदर सिर्फ ऐसे पौधे हैं जिनके अंदर 80 पौधों में फ्रूट है, बाकी पौधों की आप देखिए उसकी रंग देखिए, ये देखिए पौधे के अंदर कोई फ्रूट नहीं है, ये देखिए कोई भी है, मेरे पास ये 9 प्लांट है 10 है इसकी मैं आपको देख के वीडियो बनाता हूँ आपको, ये देखिए आपको कुछ भी फ्रूट नहीं है। अगर मैं इन पे दावा करूँ तो इनके सोलवाणों के हाथ खड़ा करा दूँ,
और मैं ये करना भी चाहता हूँ कि अगर हम अगर इन कंपनियों के खिलाफ ऐसी आवाज़ ना उठाएं जो हम इतना सामान डाल के इतना करने के बाद में भी कुछ ना आए, तो वो तो हम केमिकल खेती में कुछ कर भी कहीं कर सकते थे। लेकिन ये जो नमक और ये जो इनका है, मैं अभी इनके जब भी मैं इनके सवाल उठाता हूँ, अब मैं अब डायरेक्ट चला जा रहा हूँ, आप देखिए इनके पौधे के अंदर कोई फ्रूट नहीं है, ये देखिए। ये देखिए इसके अंदर सिर्फ एक किन्नू है लगा हुआ। अब ये देखिए, ये ऐसी कहानी जिसको हमें पीसीबीटी का असली कहानी ये है। अगर आप पीसीबीटी की खेती करते हो और आप लाल पीली मिट्टी डाल के टनों में ऐसा करते हो तो 40 से 50 हज़ार रुपये एकड़ खर्चा लगेगा, लेकिन सिर्फ बातों में कर करके आपको ऐसा उलझा दिया जाएगा, आपके खड़े हो जाएंगे। और मैं ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर इनका दावा करूँगा जब इनकी आँख खुलेगी, ताकि मेरा जो नुकसान किया है वो किसी और किसान का नुकसान ना करे। और मैं ये कहता हूँ जो गोबर की सलरी से बढ़िया कोई दुनिया में कोई खाद नहीं है। आपको मैं लगातार पौधे दिखा रहा हूँ, किसी भी पौधे के अंदर को 5-7-10 दाने लग गए तो आप देख सकते हैं, बाकी पौधा सारा खाली पड़ा है। ये देखिए चारों तरफ घुमा रहा हूँ, इसके अंदर सिर्फ 2-3 दाने लगे हुए हैं। ये देखिए आप कोई भी पौधा देख लीजिए, तो इनकी आँख